हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब के इस ग्लाइड एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आज हम बेसिक सीरीज़ का वीडियो नंबर 29 और एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीरीज़ का नाम है एक्सपोनेंट। लीनियर इक्वेशन की तरह एक्सपोनेंट भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है मैथमेटिक्स के अंदर, और ये ऑलमोस्ट जहाँ पे एलजेब्रा और जहाँ पे लीनियर इक्वेशन आती है वहाँ पे एलजेब्रा के और लीनियर इक्वेशन के कंसेप्ट के साथ साथ एक्सपोनेंट का भी हम काफ़ी यूज़ करते हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर हम आपको एक्सपोनेंट के सारे कंसेप्ट बताने की कोशिश करेंगे, और एक्सपोनेंट के कंसेप्ट के साथ साथ हम काफ़ी सारे क्वेश्चन भी इस सीरीज़ के अंदर कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट एंड तक देखिए और हो सके तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमने आपके लिए काफ़ी हार्डवर्क किया है, और कमेंट्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है और उसके कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंट के बेसिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हम पहले समझेंगे एक्सपोनेंट का मीनिंग। अब एक्सपोनेंट आया कहाँ से? तो जब हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें बहुत सारे उस नंबर के फैक्टर्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर के बारे में बता दूँ तो प्राइम नंबर ये वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। फर्स्ट नंबर इज वन एंड सेकेंड नंबर इज नंबर इटसेल्फ। वन से हंड्रेड के अंदर टोटल 25 प्राइम नंबर्स हैं। उसमें से हम पहले 20 प्राइम नंबर का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 है। तो हमें इनका नॉलेज होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। यहाँ पे हम किसी भी नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उनका HCF निकालते वक्त हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको, तो आपको उसके बहुत सारे प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन के अंदर राइट हैंड साइड के अंदर एक लाइन करके 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जब हम 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो पीछे 2 आने की वजह से हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 16 2 ज़ा 32, 8 2 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 और 1 2 ज़ा 2। इस तरीके से हम इनके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 32 को मैं कुछ इस तरीके से ले सकता हूँ, 32 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2, मतलब 2 को हम 5 टाइम रिपीट करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई करवाए हैं 5 टाइम हमने 2 को मल्टीप्लाई करवाया। तो यहाँ पे कि काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है, मतलब उसका लिखने का जो तरीका है वो काफ़ी बड़ा है। तो हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं कैसे? हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिख दिया मतलब कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 मतलब नंबर 2 5 टाइम रिपीट हो रहा है, तो मैंने 2 को 2 के ऊपर मैंने 5 लिख दिया। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है उस नंबर को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट में हम क्या करते हैं कि किसी भी नंबर के ऊपर हम छोटा सा नंबर लिखते हैं, जो ये दिखाता है कि जो बड़ा नंबर है, नीचे वाला नंबर है, वो नंबर रिपीट होता है, और जो नंबर के ऊपर छोटा नंबर रहता है वो बेस वाला नंबर कितनी बार रिपीट होगा वो दिखाता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो, अगर 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 2 है वो 5 टाइम रिपीट हो रहा है, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 2 raised to 5 है, तो 2 को मुझे 5 टाइम लिखना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 मैंने 2 को 5 टाइम लिख दिया। तो यहाँ पे हम समझते हैं, देखो मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 है वो 2 से छोटे फॉन्ट में लिखा हुआ है। तो ये जो छोटा फॉन्ट है या छोटा नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं या फिर डिग्री बोलते हैं। और ये पावर और डिग्री आपको नंबर का कितनी बार मल्टीप्लिकेशन करवाना है या कितनी बार रिपीट करवाना है वो दिखाता है। और नीचे का नंबर जो बड़ा लिखा जाता है उसको हम बेस बोलते हैं। तो हम ऐसा बोलते हैं, हम ऐसा समझ सकते हैं कि पावर है वो बेस को कितनी बार लिखना है वो दिखाता है, और बेस है वो कितनी बार लिखा जाएगा वो दिखाता है। जैसे हम समझते हैं कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है कि
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पे टू है वो सिक्स टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने टू के टू रेस टू सिक्स लिख दिया। आप इसको टू रेस टू सिक्स बोल सकते हो या टू रेस टू की पावर सिक्स बोल सकते हो या टू टू का डिग्री सिक्स बोल सकते हो। हम कॉमनली टू रेस टू सिक्स बोलते हैं, टू रेस टू फाइव बोलते हैं, टू रेस टू थ्री बोलते हैं। तो टू रेस टू सिक्स इज इक्वल टू 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 ज़ा फोर टू ज़ा एट टू ज़ा सिक्सटीन टू ज़ा थर्टी टू टू ज़ा सिक्सटी फोर, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 64। यहाँ पे देखो टू थ्री टू थ्री टू थ्री, दो नंबर आपस में तीन बार रिपीट हो रहे हैं, तो टू रेस टू थ्री हो गया, थ्री रेस टू थ्री हो गया, दोनों की पावर सेम है, इसलिए टू इंटू थ्री सिक्स और ये थ्री थ्री और यहाँ पे थ्री आ गया। यहाँ पे देखो वन टू थ्री, एम है वो थ्री बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो एम रेस टू थ्री हो गया, और पी है वो दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए पी रेस टू टू हो गया। यहाँ पे देखो वन टू थ्री फोर, यहाँ फाइव है वो फोर टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, फोर टाइम रिपीट हो रहा है, तो फाइव रेस टू फोर हो गया। फिर यहाँ पे देखो हमने इसका रिवर्स लिया हुआ है, टू रेस टू फोर है तो मैंने वन टू थ्री फोर बार लिखा है इसको, और थ्री रेस टू थ्री है तो मैंने वन टू थ्री बार लिखा हुआ है। तो ये था आपका एक्सपोनेंट का बेसिक। हमने इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक्सपोनेंट का बेसिक ही कवर किया है कि आपको जस्ट एक इसका क्विक रिवीजन हो जाए कि एक्सपोनेंट क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है। हम आने वाले वीडियो के अंदर एक्सपोनेंट के कई सारे कंसेप्ट, उनके फॉर्मूलेज, उनके रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विथ अस। और आज के दिन के लिए इतना ही, नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ हम एक और बार हम फिर से आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को हो सके इतना शेयर कीजिए, और कमेंट करना जरूर ना भूलें। थैंक यू सो मच।